मैंने उठाया मिंत्रा की सेल का फायदा और मंगाया बहुत ही प्यारे प्यारे से इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। और वैसे भी फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है और सेल भी चली रही है, तो पूरी वीडियो जरूर देखना, कुछ मिस मत करना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैक टू माई चैनल, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी छोटी की माँ आशी और एक और मिंत्रा का हॉल लेके आई हूँ, क्योंकि भाई सेल ने मुझे कर दिया है बहुत दुखी। मैंने मंगवाई है बहुत ही प्यारी प्यारी सी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस। वैसे तो मैंने 10 मंगाई थी, 7 मुझे रिसीव हो गई है, बाकी 3 की डिलीवरी डेट बहुत दूर थी तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था, मुझे देखना था, मुझे ट्राई करना था, तो मैं 7 को लेके बैठ गई हूँ आपके साथ वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत कुछ अपने माइंड में फेस्टिव सीजन को लेके, स्टाइल्स को लेके ये ऑर्डर लगाया है एंड मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी। तो आज के हॉल में जितनी भी आपको मैं ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ वो सारी की सारी मैंने यहाँ प्रोडक्ट टैग में टैग कर दी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और इसलिए क्विकली वीडियोस ला रही हूँ क्योंकि आपका भी प्रॉफिट हो, मेरा तो प्रॉफिट हुआ कि मैंने बहुत सस्ते में ड्रेसेस खरीदी है, सेल चल रही है तो आप भी टाइमली खरीद लो जो आपको पसंद आ रहा है, तो बहुत अच्छा आप भी सेल के मज़े ले सकते हो मेरी तरह। तो चलो देखते हैं सबसे पहला इंडो वेस्टर्न आउटफिट। पहली ड्रेस हम मरून ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको कि ये ड्रेस है कौन सी। पहले मैं खुद भी चेक कर लूँ क्योंकि मैं खुद थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ। मैंने मंगवाई 2 मरून ड्रेसेस हैं, तो ये कौन सी वाली है। ओके गाइज, आप पिक्चर में देखो, ये है एक स्लीवलेस क्रॉप टॉप विद शरारा एंड फ्रिल दुपट्टा एंड ये मुझे पड़ा है 1871 रुपीज़ का। ये अभी के प्राइस दिखा रहे हैं, मैंने इसको सस्ते में लिया था और अभी भी सेल चली तो और सस्ते में ही आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा और सुंदर लग रहा था पिक्चर में देखने के बाद। मैं देखती हूँ इसमें और भी कलर ऑप्शन हैं या नहीं है। इसमें सिंगल कलर का ये ऑप्शन था, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी सिंपल सी चोली होगी, साइज़ मैंने मंगाया स्मॉल, स्मॉल साइज़ के हिसाब से मुझे चोली काफ़ी बड़ी लग रही है। देखो सिंपल सी वी नेक स्लीवलेस वाली स्ट्रैपी सी चोली है, ठीक है। साइड में आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगी, बिल्कुल प्लेन मरून इसकी चोली होने वाली है। कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसके बाद आप देखो ये है इसका शरारा, आपने देख लिया गोल्डन कलर की इसमें ना बीच बीच में बूटियाँ बनी हुई हैं एंड ये होने वाला है इसका शरारा पूरा। देख सकते हो कितना क्या घेर वाला पूरा सब कुछ अटैच है एंड यहाँ से आपको दिखे तो ये दुपट्टा अटैच है पूरा फ्रिल वाला, जो अभी थोड़ा सा गुड़ी मुड़ी हुआ हुआ है एंड ये पूरा ऐसे घूम के आपका चुन्नी की तरह ऊपर आएगा, जैसे चुन्नी लेते हैं ना वो, इसका गोल्डन वर्क ये फ्रिल, ये आपकी पूरी चुन्नी आ जाएगी आगे, तो ये बहुत सही लगेगा पहनने के बाद क्योंकि कलर बहुत अच्छा है एंड काफ़ी डिफरेंट सा इंडो वेस्टर्न आउटफिट है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था इसीलिए मैंने सबसे पहले यही वाला दिखाया। चलो वियर करके देखते हैं। ओ माई गॉड, माना ये थोड़ी कॉस्टली है लेकिन इसका लुक देखो कितना सुंदर आ रहा है, मतलब ये कलर इतना प्रिटी लग रहा है। मुझे ना गाइस साइज़ काफ़ी लूज़ है, मैंने ब्लाउज में भी पिन लगाई है एंड यहाँ पे भी मैंने पिन लगाई है, लेकिन आप पूरा इसका लुक देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये रेड सा कलर, इस पर गोल्डन वर्क, ये इतना सुंदर इसकी फ्रिल्स आ रही हैं, मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही है पहन के। गाइस अगर आपका बजट है और आपको इतने बजट में कुछ लेना है तो आप डेफिनेटली ये ले सकते हो। जिन लोगों को भी वो एम्बलेश मोती नग सितारे नहीं चाहिए या टेलीगेंट एंड बहुत डिसेंट सा कुछ चाहिए तो ये है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख सकते हो प्लाजो की शरारा, जो भी ये है शरारा है, इसकी लेंथ भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने बहुत छोटी सी हील वेयर की हुई है, बैक से भी आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा कैसे फैब्रिक मैंने चुन्नी की तरह आगे पल्लू लिया है, ये पूरा फिक्स है। ब्लाउज़ पीछे से कितना क्या डीप है वो आप देख सकते हो, स्लीवलेस है लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा है, सच बता रही हूँ। बहुत लंबा पल्लू है कि मैंने पूरा ऐसे डाल रखा है तो लिटरली नीचे ज़मीन तक टच कर रहा है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे हाथ पे ले लिया था कि मैं ऐसे ले लूँ। बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है ये। सब कुछ मैं टैग कर दूंगी, देख लेना, इसके लिए डेफिनेटली थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट, ये तो मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था, ये स्टाइल बहुत यूनिक लगता है मुझे, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये 615 का है, मैं 1600 बोलने वाली थी, 615 रुपये का है। इसमें आप नीचे देखोगे दो कलर के ऑप्शन है, ग्रीन एक ब्लैक। ग्रीन पूरा आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने ब्लैक मंगाया एंड बहुत सही प्राइस में मुझे मिल रहा था एंड स्मॉल साइज़ का मैंने मंगाया है, होपफुली ये साइज़ अच्छा है। गाइज इतना लाइट वेट, ऐसे अगर हाथ में चुन्नी पकड़ी हुई हो कि मैंने कुछ पकड़ा हुआ ही नहीं है, ये इतना हल्का है और जेट ब्लैक कलर का, और इसमें क्या शाइन आ रही। मैंने किया क्या है ये, 615 रुपये की सिर्फ धोती ऑर्डर की है मैंने, और मैं मुझे लग रहा था ये पूरा सेट होगा। व्हाट द, मेरा दिमाग घास चढ़ने चला जाता है क्या, मैंने देखा ही नहीं कि सिर्फ धोती है।
सो स्टूपिड आई एम यार. इसका पूरा सेट आप ऑर्डर कर सकते हो. इसकी कुर्ती अलग से है, लेकिन ये धोती का कपड़ा देखो, ये शाइन देखो कितनी सुंदर है. एंड पूरा धोती का लुक देखो, पूरा बना बना है, पीछे से भी आप देख सकते हो. एंड ये सिर्फ धोती है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है. गाइज ऐसा ही होता है जब आप एक्साइटमेंट में पैसे कम देख के फटाफट ऑर्डर लगा देते हो. मुझे लगा ये पूरा सेट है, इसमें क्लियरली लिखा है कि ये धोती मिलेगी आपको इतनी, अब मुझे इसकी कुर्ती ऑर्डर करनी पड़ेगी. मुझे लग रहा था फाइनली ये सेट मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से ये सेट लेना था. मैंने हमेशा इसको देखा है. चलो कोई नहीं, अब धोती तो मैंने ले ली है ये, ठीक है. अब मैं इसका कुर्ता भी मंगाऊंगी, तभी तो इसको पहनने का मज़ा आया. धोती विद कुर्ता, ये गोल्डन वर्क इतना अच्छा लग रहा है. एंड पूरा पीछे से देखो, कोई नहीं इसको मैं वियर भी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इसको प्रोडक्ट टैग में टैग कर दूँगी. जिनको चाहिए होगा ले लेना, और सिर्फ धोती मिलेगी. टॉप भी टैग कर दूँगी, वो आप अलग से ले लेना. चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ. नेक्स्ट हमारा बहुत ही अलग सा कॉट सेट है, जो 755 रुपीस का मुझे पड़ा है. पिक्चर में आप देख सकते हो, ब्लू कलर का. लेट्स सी कैसा आया है. मुझे कलर बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये, और उतना ही सामने से देखने में भी लग रहा है. उस पर ना पूरे गोल्डन प्रिंट्स हुए हुए हैं, जो काफ़ी सही लग रहे हैं. ऊँट बने हुए हैं और पेड़ बने हुए हैं, पूरा दुबई वाला प्रिंट हो रखा है इसमें, देख सकते हो. ये इसकी प्लाजो पैंट होगी, जो काफ़ी सही लग रही है. फ्रंट आपको बेल्ट मिलेगी, पीछे इलास्टिक मिलेगा. सी देख सकते हो, कोई पॉकेट वॉकेट नहीं है इसमें, पूरी फुल साइज़ की बहुत अच्छी वाली ये प्लाजो पैंट्स है. इसके साथ हमें मिलेगा एक इसका जो चोली है, वही थोड़ी यूनिक सी है. ये इसकी चोली है, और इसकी स्लीव्स, ओ माय गॉड, इसकी स्लीव्स तो या ऐसे देख रहे हो, पाकिस्तान बॉर्डर तक टच कर रही हैं. और काफ़ी सही लग रहा था मुझे कि कुछ ये हटके होने वाला है. इसके साथ दुपट्टा नहीं है, एंड प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा. कलर भी देख सकते हो कितना प्यारा ब्लू कलर है. इसमें शैम्पियन गोल्ड वाला की गोटा पट्टी लगी हुई है, दोनों तरफ से ऐसा ही है. चोली में साइड में जिप लगी हुई है, कि अच्छे से आप फिटिंग विटिंग दे के पहन सकते हो. एंड ये काफ़ी कुछ डिफरेंट सा लगने वाला है, बड़े बड़े इयर रिंग्स और हैंड बैग के साथ. मैंने कुछ ऐसा इमेजिन किया था. चलो इसको वियर करके देखते हैं. ओ माई गॉड गाइज, ये बहुत ज़्यादा सुंदर और प्यारा लग रहा है. अब इसका पूरा लुक देखो, कितना ज़्यादा प्रिटी ब्लू कलर लग रहा है ये. मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका स्टाइल पसंद आया, कलर इतना अच्छा लग रहा है, इसकी स्लीव्स इतनी अच्छी लग रही हैं. मतलब मुझे बहुत डिफरेंट यूनिक इंडो वेस्टर्न लग रहा है. मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा ही है. बैक से भी आप देख सकते हो कहाँ तक की इसकी चोली है, क्या पैंट्स का फिट आएगा. पैंट्स मुझे इतने अच्छे से प्रॉपर फिट आ रही है ना, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, जैसा मैं फिट पसंद करती हूँ बिल्कुल वैसे ही पैंट का फिट आ रहा है. लेंथ वाइज भी पैंट इतनी सही आ रही है कि मैंने बहुत ज़रा सी हील वेयर की है, इनके साथ बहुत प्रिटी लग रही है. स्लीव्स भी बहुत अच्छी है, दुपट्टे की कोई नीड नहीं है. बहुत प्यारा फैब्रिक है, कहीं से भी कुछ नहीं चुभ रहा है गाइज. ये बहुत डिफरेंट है, इसको तो प्लीज़ मत मिस करना. मुझे बहुत पसंद आया, जिसके रीज़न से मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप. नेक्स्ट दिखाती हूँ. नेक्स्ट हमारी इंडो वेस्टर्न ड्रेस है ना, वो भी एक पूरा कॉट सेट है, पूरी एम्बलिश्ड बेबी पिंक कलर का. आप पिक्चर में देख सकते हो 1350 रुपये की ये है, लेकिन मुझे काफ़ी डिफरेंट स्टाइल लग रहा था, कि कुछ हटके लग रहा है. ऐसा लग रहा था बचपन में ऐसी ड्रेसेस चलती थी, कॉट सेट. बचपन में दिवाली वाली के टाइम पे मम्मी बहुत ऐसे कॉट सेट दिलाती थी, मैचिंग सेट. अब तो बिल्कुल इतने सालों बाद जब मैंने ये स्टाइल देखा ना, तो मुझे वो दिन याद आ गया. तो मैंने कहा ये तो मैं पक्का लूँगी. और वैसे भी पुरानी चीज़ें कितना चल रही हैं आजकल, ये बिल्कुल ही वैसा लग रहा है. बचपन के दिन ताज़ा हो गए मेरे तो यार, कितना डिफरेंट है ना. काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ आप ऐसे पीसेस दिखाओ, कवरी हो, स्टाइलिश हो. मेरी नज़रों में गाइज ये बिल्कुल स्टाइलिश है. आप देख सकते हो इसकी स्लीव्स कितनी ज़्यादा सुंदर हैं. पहली बात तो अब वैसे भी विंटर्स आने वाली हैं, इसमें स्लीव्स आपको मिल रही हैं. बैक से भी आप देख सकते हो पूरा कवरी और सुंदर है ये. एंड ये इसके साथ आपको मिल रही है बहुत ही प्यारी सी प्लाजो पैंट, जिसमें दोनों तरफ पॉकेट है. फ्रंट बेल्ट आप देख सकते हो, एंड कलर कितना प्यारा है. ये सेट मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, कलर के अकॉर्डिंग. कवरी भी है, बहुत सुंदर लग रहा है. बाकी पहन के देखते हैं कि कितना अच्छा पीस लग रहा है ये. गाइज मैंने बोला था ना, इसको पहन के बिल्कुल वही फील आ रहा है जैसे मैंने बचपन में कॉट सेट पहने होते थे ना, ऐसे ही होते थे. टॉप थोड़ा एम्बलिश्ड होता था, नीचे ऐसी प्लाजो पैंट्स होती थी. ये बिल्कुल वैसे लग रहा है. मुझे हल्का सा लूज है, इसलिए मैंने ना इसको ऐसे पकड़ रखा है कि थोड़ा फिट दिखा पाऊँ. काफ़ी डिफरेंट है ये, और जिन लोगों को चाहिए होता है ना थोड़ी कवरी और थोड़े स्टाइलिश आउटफिट, ये उसमें बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फिट होगा. क्योंकि आप स्लीव्स देख सकते हो कितनी सुंदर और डिज़ाइनर इसकी स्लीव्स हैं. यहाँ से पूरा डिज़ाइन आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है. कलर बहुत प्यारा है. ये पूरा जो वर्क हुआ हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. नेक भी बहुत डीप नहीं है, पूरा वर्क आप देख सकते हो. यहाँ से ये जो पूरा ऐसे टेढ़ा कट जा रहा है,
फ्रिल आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, कलर वाइज भी डिसेंट लग रहा है, कवरी भी है, स्टाइलिश भी है, मुझे बहुत पसंद आया इसलिए मैं तो इसको देती हूँ गाइस थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो है वो ना हमारी बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस है, आप पिक्चर में देखो, ये 902 रुपए की है। ये है एक धोती साड़ी और इसमें एक सिंगल ही कलर था एंड मुझे बहुत सुंदर लग रही है ये। मैंने इसका साइज स्मॉल मंगाया है, आई होप मेरे हाथ में वही हो। देखो गाइस, एक तो इसका कलर इतना प्यारा जेट ब्लैक, मुझे फिर लगा कि ऐसा ना हो कि यार मैंने इसका ब्लाउज नहीं मंगा, खाली धोती धोती हो, मुझे ऐसा लगा एक बारी को। सी गाइस, ये कितना प्यारा ब्लैक कलर लग रहा है यार, मतलब इसके डॉट्स कितने सुंदर लग रहे हैं गोल्डन कलर के, एंड कितना सुंदर ब्लाउज सिला हुआ है, सी राउंड नेक, स्लीवलेस, एंड पीछे का नेक देखो जिसके चक्कर में मैं बोल रही हूँ, कितना सुंदर इसमें लटकन है, बहुत सही लग रहा है, कॉरी शेल्स और टैसल लगी हुई लटकन में, बहुत प्यारा इसका ब्लाउज है। एंड जिसके साथ हमें मिल रही है धोती साड़ी, देखिए ज़रा है कैसी, फिगर आउट करते हैं। ये एक स्कर्ट है वैसे तो पूरी, ठीक है, धोती नाम दिया उन्होंने इसको, शायद ये प्लेट्स वगैरह आगे बनी हुई है जिस वजह से ये पूरी स्कर्ट है। एंड यहाँ पीछे अगर आप देखो इलास्टिक के साथ ये पूरी दुपट्टा अटैच है, आप दुपट्टा देख सकते हो क्या दुपट्टा है, गोटा पट्टी लगी हुई है, एंड देन ये ऐसे सेम पीछे से घूम के आएगा दुपट्टा, आगे ऐसे चला जाएगा, काफ़ी सही लग रहा है। अगर 900 रुपये में मुझे ये मिल रहा है तो बहुत प्यारा इसका फैब्रिक है, कलर ब्लैक कलर बहुत सुंदर लग रहा है, बाकी वो तो आपके ऊपर, आप इसको कैसे स्टाइल कर सकते हो, टोटली वर्थ इट लग रहा है गाइज मुझे ये, इंडो वेस्टर्न के हिसाब से इसको भी अगर के दिखाती हूँ। गाइज मैंने बोला था कि इसके साथ मिली है स्कर्ट, लेकिन मैं गलत थी, आई वॉज रॉन्ग, ये धोती ही है, ये एक पैर इधर से निकला है, एक पैर इधर से निकला है, लिटरली ये बीच से पूरा सिला हुआ है, अब आप समझ पाओगे कि सी मेरी एक पैर इधर है एंड एक पैर इधर है और ये बीच से बिल्कुल सिला हुआ है, तो ये धोती स्कर्ट ही है, पूरा जॉइंट है नीचे से। एंड मैंने आपको बताया था कि पीछे से पूरा ये चुन्नी इसमें से लगा हुआ है और ये पूरा ऐसे फ्रंट में आके ऐसे पूरा चुन्नी वाला लुक आएगा, ठीक है। ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल ठीक आई है, हल्का सा लूज़ है लेकिन चलेगा, बैक से आप देख सकते हो पीछे ब्लाउज़ की फिटिंग कैसी है, चुन्नी ये बिल्कुल ऐसा लगने वाला है आउटफिट, और पहन के काफ़ी सही लग रहा है मुझे, जिस रेट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, कुछ होते ना डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स, मुझे उस हिसाब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी तो अपने ऊपर है, हम इसको कितना ज़्यादा एक्सेसराइज करके सुंदर बना सकते हैं, तो ऑलरेडी बहुत सुंदर लग रहा है, ब्लैक एंड गोल्डन का कॉम्बो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो गाइस पर्सनली बहुत पसंद है इसलिए मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा एक कॉट सेट है, बिल्कुल एथनिक कॉट सेट, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये 1199 रुपीज़ का है, 1200 रुपये का, लेकिन इसमें नीचे कलर ऑप्शंस देखो कितने सारे हैं, वो डीप पर्पल, ब्लू, पिंक, रेड, सारे कलर हैं, मैंने साइज स्मॉल मंगाया है। अगर मुझे ना वैसे मरून कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डीप पर्पल मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ एथनिक हो गया है, अगर आप चाहो तो डीप पर्पल कलर मंगा लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मैं आपको दिखाऊँ कि ये लगेगा कैसे, ये साइज़ स्मॉल है एंड इसकी जो ये चोली है ये आप देख सकते हो, इसकी चोली है, स्ट्रैप्स इसके एडजस्टेबल है चोली में, साइड में यहाँ पे जिप लगी, आप इसको इजीली पहन के फिटिंग विटिंग दे सकते हो, पहनना आसान हो जाएगा, गोल्डन प्रिंट हुए हुए हैं, काफ़ी प्यारा वाला मरून कलर है, मुझे ये कलर बहुत पसंद है, ऐसे मैंने अभी पहना है, ये बहुत अच्छा लगता है पहना हुआ, और एथनिक में तो और भी अच्छा लगता है। इसके साथ आप देख सकते हो ये आपको पैंट्स मिलने वाली हैं, फ्रंट बेल्ट है सिंपल, पीछे है इलास्टिक एंड इसमें कोई पॉकेट नहीं है, हाँ इसमें कोई पॉकेट नहीं है, एंड पूरा आप इसका प्लाजो पैंट देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे शरारा स्टाइल वाले पैंट्स हैं, कितना घेर है लेकिन काफ़ी सुंदर इसका कलर लग रहा है। इसके साथ कोई भी दुपट्टा नहीं है, ये इसी स्टाइल में इसको वियर किया जाएगा, अगर लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका दुपट्टा हो तो आप मार्केट से अलग से 100-200 रुपये का दुपट्टा लेकर डाई करवा सकते हो, वैसे ये इसका स्टाइल ही ऐसा है। चलो इसको वियर करके दिखाते हो गाइस, आप पूरा लुक देख सकते हो, मरून कलर का कितना प्रिटी लग रहा है, इसका फिट कितना अच्छा आया है मुझे, वेस्ट से कितना परफेक्ट है, देख सकते हो कितना शरारा में इसका घेरा है, कलर बहुत प्यारा है, गोल्डन प्रिंट्स बहुत प्रिटी लग रहे हैं, मुझे ओवरऑल ये बहुत क्यूट लग रहा है पूरा। आप चोली का लुक देख सकते हो कैसा आया, हल्की सी मुझे लूज़ है, फिटिंग हो जाएगी, वेस्ट से जितनी मुझे लूज़ चाहिए होती है ना उतनी लूज़ है कि मैं भर पेट खाना खा पाऊँ, थोड़ा पेट फुला पाऊँ, बहुत प्रिटी लग रहा है गाइज ये मुझे। आप चाहो तो अलग से दुपट्टा ले सकते हो, वरना इसका स्टाइल ऐसा ही है इंडो वेस्टर्न में। इमेजिन कर लो कि एक नेट की चुन्नी है मेरे हाथ में मरून कलर की, उसके चारों तरफ गोल्डन गोटा पट्टी है, गोल्डन ईयरिंग्स और एक हैंड बैग है, कितना प्रॉपर इसका लुक आएगा, मतलब फैशनेबल स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट बन जाएगा, मुझे बहुत पसंद आया, मैं तो इसको देती हूँ थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो हमारा लास्ट इंडो वेस्टर्न आउटफिट है
पिक्चर में आप देख सकते हो ये ना काफ़ी डिफरेंट लग रहा था मुझे, एंड मैंने इसको इंडो वेस्टर्न की कैटेगरी में ही लिया है। ये 1439 रुपीज़ का है एंड इस पर कोई कलर वलर नहीं था। मैंने इसको लिया है स्मॉल साइज में, ब्लैक कलर का है। देखते हैं ये कैसा लग रहा है। देख सकते हो आप ये कितना सही लग रहा है। ये पूरा ऐसे ब्लैक कलर का पोंचू है। सी आप समझ आया, ऐसे फोटो में नहीं समझ आ रहा था कि ड्रेस है क्या। पूरा एम्बेलिश्ड है अंदर, पूरा आपको एक पूरा एक जैसे टैंक टॉप होता है ना, स्लीवलेस टैंक टॉप, वो पूरा आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर से पूरा ये कवरी है। गाइस मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मंगाया है और ये काफ़ी सही लग रहा है मेरे को, काफ़ी डिफरेंट। और पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है एंड इसके साथ जो पैंट्स मिल रही हैं, ये ट्राउज़र पैंट्स तो आप किसी डिफरेंट टॉप के साथ भी पहन सकते हो। और ऐसी ट्राउज़र पैंट्स तो मुझे लगता है हर लड़की के पास होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ऐसी सिंपल फ्लेयर्ड ट्राउज़र पैंट्स हैं। इसमें कुछ ऐसा अलग डिफरेंट खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और आप देख सकते हो ये ऐसी है, ठीक है। अब मैं इसको वियर करके दिखाती हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा एक इंडो वेस्टर्न आउटफिट लग रहा है, तो चलो देखते हैं पहनने के बाद कैसा लग रहा है। ओ माई गॉड गाइज, अब इसका लुक देखो, ये सीरियसली इतना ब्यूटिफुल लग रहा है। क्या फिट आई है इसकी पैंट्स की। ये ऊपर से ये पोचू स्टाइल कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। वाओ, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा आएगा। आप देख सकते हो नीचे बिल्कुल ये एक स्पेगरी टॉप है, ठीक है। और नीचे मैंने पहनी है इसके साथ जो पैंट्स मिली थी, उसके फिट आप देख सकते हो। नीचे तक आप देखो कि साइड में से कैसा कट आपको यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सही और बहुत कंफर्टेबल है ये पैंट्स। और इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, पूरा कम्फी कि आप यहाँ से हाथ भी निकाल सकते हो। ऐसे पूरे यहाँ बीच बीच में कट्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। बैक से भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर, रिच, प्यारा और काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है। मुझे काफ़ी पसंद आया यार। मतलब काफ़ी कैजुअल ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पर कुछ अच्छा पहनना होता है, कंफर्टेबल पहनना होता है, ये परफेक्ट जाएगा मेरी तरफ से। तो इसके लिए डेफिनेटली थम्स अप। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको सारे के सारे प्रोडक्ट टैग मिल जाएंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे जाके सारे प्रोडक्ट देख सकते हो। डायरेक्टली क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हो और आप एड टू कार्ट कर सकते हो। फटाफट से ले लेना जो आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि सेल चल रही है, मिस मत करना। बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स चल रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का कलेक्शन पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर दी वीडियो। प्लीज़ ऐसे ही भर भर के ढेर सारा प्यार देते रहो मेरी वीडियोज़ को। मैं बैठी हूँ सबको प्यार बटोरने के लिए। तो गाइस चलो जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू। इतना ज़्यादा फंबल कर रही हूँ ना मैं, बस क्या बताऊँ। बाय।